हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित है। इस वीडियो में लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद के बारे में बताने वाला हूँ। इन लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन, प्रोफेशनल असिस्टेंट सहित विभिन्न पद हैं, तो यह वीडियो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, रेगुलर बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, जिसे हम सरकारी नौकरी कहते हैं। और आज मैं नॉन टीचिंग का विभिन्न पद के बारे में जानकारी बताऊंगा, तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्यों महत्वपूर्ण होगा कि इसमें नॉन टीचिंग के विभिन्न पद हैं और सभी पद सरकारी नौकरी के लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल के द्वारा वेबसाइट बनाया गया है। वेबसाइट का नाम govtjobs4u.org है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे और रिक्रूटमेंट वाले बटन है, यानी ऑप्शन है, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के उपरांत आपको टोटल वैकेंसी की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, अप्लीकेशन फीस, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लिंक होता है, वेबसाइट का लिंक, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक, टोटल जानकारी इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है कि जो भी लिंक उसमें दी गई है और जो जानकारी आपको चाहिए उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जानकारी प्राप्त करना है। इसलिए उस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें क्योंकि मेरे द्वारा ही वह वेबसाइट बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि आप वीडियो देखने के उपरांत लाइक नहीं करते हैं। क्यों? आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है? यदि वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट करें, वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इस जो वीडियो है, यानी इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाती है, किस टाइप का वीडियो आपको पसंद है आपको कमेंट में बताना है। और किस टाइप का, यदि आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो वीडियो है बोर्ड के थ्रू मैं बताऊं, तो वो भी मैं बोर्ड के थ्रू बताऊंगा, लेकिन हमें लगता है कि इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाती है, इसलिए मैं इसके थ्रू बनाता हूं नोटिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि फुल जानकारी मिलती है। तो आपको वीडियो को शेयर भी करना है जिससे कि यह सूचना सबके पास पहुँचे। और इसी तरह का अपडेट वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इस चैनल पर सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में वीडियो बनाई जाती है, इसके बाद अदर चैनल्स के द्वारा भी वीडियो बनाई जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस चैनल पे जो हमारे ऑडियंस हैं या वीडियो देखने वाले जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं बहुत कम हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे तो नहीं पता, आपको ही पता होगा क्योंकि आप ही हैं जो इस चैनल पर वीडियो देखते हैं। तो क्या रीज़न है ये तो नहीं पता, बट क्यों ऐसा है मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, ऑडियंस थोड़ा सा बढ़ जाए, तो कुछ और अच्छा कार्य किया जाए सरकारी नौकरी से रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप इस चैनल को प्रमोट करने में, यानी आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें कि अभी चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाए। दूसरी बात, तीसरी जो बात है कि चैनल के थ्रू जो भी वीडियो बनाई जाती है A to Z जानकारी बताई जाती है। इस वीडियो में भी पूरी डिटेल जानकारी मैं बताऊँगा। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी इच्छा है तो आप जरूर ज्वाइन हो। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो वैकेंसी है, तो यह नॉन टीचिंग का वीडियो है, यानी नॉन टीचिंग की वैकेंसी से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। इसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और ग्रुप ए का पद है, यानी गजेटियर जो पद हैं, इसमें जो भी पद हैं ग्रुप ए का है और एक गजेटियर लेवल का आवेदन आमंत्रित हैं, गजेटियर अधिकारी लेवल का पद है, तो इसलिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। L10 का पद है और सैलरी 56,100 से लेकर 177,500 है। क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री पब्लिक रिलेशन या जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। इसके अलावा 10 साल का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन, मीडिया मैनेजमेंट या रिलेशन, ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट एंड प्रिंट से संबंधित। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है और पे लेवल 7 के अनुसार सैलरी 44,900 या 142,400 रुपये। ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा यदि IIM, IIT या IISER से रिलेटेड एक्सपीरियंस हैं तो आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद जो है अदर डिटेल की जानकारी की हम बात करें, तो यह जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एज लिमिट जो है
अदर हम पोस्ट की बात करते हैं तो जो एज लिमिट है इसमें एज लिमिट जो दिया हुआ है 45 ईयर दिया हुआ है। तो इस तरह से 3 ईयर पे लेवल जो 7 का पद है उसके लिए 44,900 और 2016 से लेकर मतलब इसमें कुछ डिटेल जानकारी दी गई है। इसके अलावा हम बात करें सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रुप बी में आवेदन आमंत्रित हैं, एक पद है L6-7 का पद है और सैलरी जो है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये हैं। और ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 77,000 रुपये पर मंथ अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी बनेगी। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हैं और एक्सपीरियंस में 10 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन मिनिमम 5 ईयर सर्विस पे लेवल L6 लेवल का होना चाहिए और वो भी जो सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है 40 साल है। यदि 6 पे कमीशन के अनुसार आपके पास एक्सपीरियंस है जैसे 35,400 लेवल का और 13,500 फॉर अर्लियर पीरियड के लिए तो भी आप अप्लाई करेंगे। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के ग्रुप बी में एक पद है और L6 का पद है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। ग्रॉस अप्रोक्सीमेट जो सैलरी है 62,000 रुपये हैं पर मंथ के हिसाब से। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है और 6 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। पे लेवल 29,200 से लेकर 92,300 लेवल का होनी चाहिए। यदि 8 साल का एक्सपीरियंस है तो पे लेवल 25,500 से लेकर 81,100 लेवल का होना चाहिए पे लेवल 5 के अनुसार। तो इस तरह से यह एक्सपीरियंस है। एज लिमिट की बात करें इस पद के लिए तो 35 साल एज लिमिट है इस पद के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 2 पद हैं और क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 8 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट क्वालिफिकेशन पे लेवल 5 और सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? 8 साल का। यदि 8 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 4 का एक्सपीरियंस है या पे लेवल 5 का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन में भी बीटेक इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 ईयर के साथ में आपके पास एक्सपीरियंस यानी 3 ईयर का एक्सपीरियंस है पे लेवल 5 के अनुसार या पे लेवल 4 के अनुसार 8 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट जो है इसमें जो एज लिमिट दिया गया है 35 साल दिया गया है और OBC के लिए 38 साल हैं। रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। जूनियर इंजीनियर सिविल में भी एक पद है। क्वालिफिकेशन अदर डिटेल अभी मैं जो बताया था वही क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट भी वही है। ग्रुप सी में अकाउंटेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अप्रोक्सीमेट सैलरी जो है 45,000 रुपये हैं और पे लेवल 4 के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100 रुपये सैलरी हैं। क्वालिफिकेशन में BCom BBA या इंटर CA या इंटर ICWA क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर अप्लाई करें लेकिन कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए और सैलरी लेवल क्या होना चाहिए जो आपका एक्सपीरियंस की रिक्वायर है तो 21,700 से लेकर 70,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो ग्रेड पे हैं इसी के हिसाब से आपका पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट मतलब जो एक्सपीरियंस वाली पेमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। एज लिमिट 35 साल है और OBC कैटेगरी के लिए 38 साल एज लिमिट है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। कुल 2 पद हैं। सैलरी L4 के अनुसार सेम है और ग्रॉस सैलरी भी सेम है। क्वालिफिकेशन जो है आपके केवल डिपार्टमेंट यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन सेम होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 3 के अनुसार होना चाहिए। यदि पास आपके पास BCA है तो मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन पे लेवल 3 के अनुसार एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे पता है लेकिन सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। रेगुलर बेसिस का पद है इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है। अब हम बात करें एज लिमिट तो एज लिमिट 35 साल है OBC के लिए 38 साल है। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी में कुल 6 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन में केवल ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। सैलरी 25 L4 के अनुसार सेम है और ग्रॉस सैलरी भी सेम है। हम बात करते हैं जो डिफरेंट है एक्सपीरियंस तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफिस क्लर्कियर एक्सपीरियंस पे लेवल 3 के अनुसार होना चाहिए और सैलरी 31,700 से लेकर 69,100 लेवल का होना चाहिए। यदि 8 साल का एक्सपीरियंस है ऑफिशियल क्लर्कियर एक्सपीरियंस पे लेवल 2 के अनुसार तो भी आप अप्लाई जरूर करें। इसके अलावा एज लिमिट जो है 35 साल है। जनरल और OBC के EWS के लिए OBC के लिए 38 और ST के भी पद हैं इसमें इसलिए एज लिमिट 40 साल है और रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। जूनियर असिस्टेंट राजभाषा के लिए ग्रुप सी में एक पद है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांगा हुआ है। यदि आपके पास मास्टर डिग्री है
तो आप ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा मास्टर डिग्री जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट है हिंदी ट्रांसलेटर का ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 3 के अनुसार होना चाहिए। और पे लेवल 3 या पे लेवल 2 के अनुसार कितना सैलरी के एक्सपीरियंस होना चाहिए यह तो आपको पता ही है। रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। एज लिमिट 35 साल है। तो यह रही अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की संपूर्ण जानकारी। अप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना कल चालू हो गया था, बट मेरे पास कल टाइम नहीं था, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 5/10/2023 रात्रि को 12 बजे तक। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के उपरांत ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंटआउट निकालना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, सभी डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड करके, फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड करके बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर के द्वारा आपको सेंड करना है। और सेंड करने से पहले जिस एनवलप पे आप सेंड करेंगे एनवलप में रखकर उस एनवलप पर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है और पोस्ट कोड लिखना है। एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ और डिटेल जानकारी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए तिथि तो मैंने बता दिया है, अब एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है नहीं लग रहा है यह जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो मैं देख रहा हूँ इसमें एप्लीकेशन शुल्क के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है, तो इसके लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन शुल्क के बारे में डिटेल जानकारी कि एप्लीकेशन शुल्क कितना है इस पद के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और जब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है तो एप्लीकेशन शुल्क भी लगना चाहिए। दूसरी बात हम बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फीस जो है 118 रुपया एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन पे करना है। और एससी एसटी डिसेबल वोमेन कैंडिडेट और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को एप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो भारतीय प्रबंध संस्थान कोषिक्कोड केरल में आवेदन आमंत्रित हैं। तो फ्रेंड इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।